और ये जाएगा हमारा नेपाल और रुधौली बासी। तो यहाँ का मैं सीन देख रहा हूँ, लगभग लगभग लॉकडाउन समझ लो खुल चुका है। ये जाता है हमारा बस्ती सिटी डायरेक्ट। तो हमारे एरिया का मेन पुलिस स्टेशन वॉल्टरगंज थाना। हाँ जी, तो जो हमारा पिछला वीडियो था वो था बस्ती सिटी लॉकडाउन 4.0 के ऊपर, और ये जो हमारा वीडियो होने वाला है ये होने वाला है अनलॉक 1.0 के ऊपर। तो आज सुबह सुबह हम निकले हुए थे बाहर थोड़ा सा टहलने के लिए। तो आज जो हमने सीन्स देखा ना बाहर के, तो हमने ये सोचा कि ये दिखाना तो बनता है बॉस। एक हद तक सारी चीज़ें खुल चुकी है सिवाय उन चीज़ों को छोड़ के जो कि अभी आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा, पूरा देखिएगा शुरू से एंड तक। और अगर बस्ती सिटी लॉकडाउन 4.0 वाला वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो अभी जाके चैनल पर क्लिक करके अभी देख लें। और ये व्लॉग होने वाला है हमारा मोटो व्लॉग, लेकिन गरीबों का मोटो व्लॉग होने वाला है, क्योंकि हमारे पास तो कोई एक्शन कैमरा है नहीं, तो फ़ोन से ही रिकॉर्ड करेंगे। बाकी आप लोग आगे इन्जॉय करिए इस वीडियो को, और अच्छा लगे तो जो मैंने बताया लाइक शेयर सब्सक्राइब, बस इतना ही चाहूँगा। जाओ देखो वीडियो को। 1, 2, 3, fuck it। तो राइट नाउ अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मानी चंद हमारे चौराहे पे। तो अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं ये, तो चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो। तो राइट नाउ ये यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है चौराहा मानी चंद। तो यहाँ का मैं सीन देख रहा हूँ, लगभग लगभग लॉकडाउन समझ लो खुल चुका है, देख सकते हो आप लोग ही। मतलब जितनी दुकान थी टोटल और सब खुल चुके हैं, तो यानी कि यहाँ पे क्लियर है कि लॉकडाउन खुल चुका है, देख लो। और पहले यहाँ पे पुलिस वगैरह भी बैठे रहते थे, बट अभी नहीं है। तो ये देखो ड्रम वगैरह भी साइड कर दिए ताकि गाड़ी वगैरह आ जा सके। तो मतलब मानी चंद हमारा क्लियर है। तो राइट नाउ गाइस आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे दो टर्न है, एक इधर जाता है, ये जाता है हमारा बस्ती सिटी डायरेक्ट। ये बस्ती सिटी जाएगा और ये जाएगा हमारा नेपाल और रुधौली बासी, जो भी आप समझ रहे हो, ये जाएगा हमारा सीधे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को इधर जाना है, क्योंकि मुझे फ्यूल अभी लेना है गाड़ी के लिए। तो अभी गड्डी में वहाँ चल के फ्यूल डलवाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से यू टर्न लेके आते हैं और फिर उधर हम लोग चलते हैं। हम लोग को चलना है वॉल्टरगंज की तरफ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूल लेते हैं हम लोग, चलो। सो ये देखो कितनी भीड़ है, ये हमारा पेट्रोल पंप। और ये चौराहा है पैड़ा, तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे भी सब कुछ दुकान वगैरह खुलने लगी है। तो मतलब अब ऐसा लग रहा है कि फिर से सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, और हाँ नॉर्मल ही हो रहा है सब कुछ वैसे ही, बट धीरे धीरे होगा। तो ये लेन सीधे जाएगा बस्ती सिटी मेन, और ये पता नहीं कौन सा गांव जाएगा, और ये जाएगा वॉल्टरगंज। तो अभी फ़िलहाल हम लोग को इधर जाना है वॉल्टरगंज की तरफ। हम लोग बहुत पहले आए थे तो मतलब रोड उतना नहीं सही था, ये तब रोड नहीं बना था। तो अभी फ़िलहाल ये रोड अभी परफेक्ट हो गया है एकदम चलने के लिए मतलब। तो ये वाला हमारा जाएगा डुमरियागंज बहराइच, और नेपाल वपाल में जाके ये भी मिलता है ये वाला साइड, और ये हमारा बस्ती सिटी मेन जाता है। अभी यहाँ पे पड़ेगा हमारा वॉल्टरगंज का, हमारे एरिया का मेन पुलिस स्टेशन यानी कि थाना। पड़ेगा नहीं, पड़ गया यहीं पे। अभी यहाँ से हम लोग को लेना टर्न राइट टर्न, तो चलते हैं। ये सब एरिया जो है मतलब ये सब गांव वगैरह ये बहुत पिछड़े इलाका का है, मतलब यहाँ पे मैं तो जानता हूँ कि लाइट वाइट की भी, बिजली उजली की भी कोई चीज़ व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि देख रहे हो ये रोड देख रहे हो कुछ भी नहीं मेंटेन है, मतलब ये बहुत पिछड़ा इलाका है।
ये चौराहा है, मतलब आगे थोड़ा पड़ेगा लेकिन ये यहाँ से चौराहा स्टार्ट हो जाता है इस गांव का। तो आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पे मतलब चौराहा भी नहीं पता चल रहा है सही से कि मतलब चौराहा है कि नहीं। पैर ऊपर कर ले, पैर ऊपर। क्या हुआ? ओहो ओ भाई साहब। तो राइट नाउ अभी मैं बता दूँ कि हम लोग जब से आ रहे थे गाड़ी पे तब से मैं ढूंढ रहा था, कोई भी एक भी दुकान नहीं दिख रही थी कि कुछ हम लोग खा सके। और उसके बाद हम यहाँ पे आए तो हमको क्या मिला देख लो, बहुत समय बाद हमको मोमोज मिला है। बहुत सही है। बहुत समय बाद। तो बस जी, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। होप करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। जूता मेरा गया आज। ओ पैर भाई, यहाँ रख भाई।